डियर स्टूडेंट्स, 64वीं बीपीएससी की तैयारी से संबंधित 10 घंटे के अंदर ये दूसरा वीडियो आज आप देख रहे हैं। हर वीडियो के, हर एपिसोड के थंबनेल यानी फेस पे उसकी संख्या, उसका नंबर लिखा हुआ मिलेगा आपको, और इससे पता चलेगा कि कैसा एपिसोड आप देख रहे हैं। जैसे कि 64वीं बीपीएससी से संबंधित ये तीसरा एपिसोड अपलोड हो रहा है, तो आप उसकी संख्या से पता कर सकते हैं कि कितने वीडियोस यानी एपिसोड्स अब तक अपलोड हो चुके हैं। दूसरी बात यह कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऑप्शनल पेपर है बीपीएससी का, मेंस का होगा, जिसे वैकल्पिक विषय कहते हैं, उसे संबंधित सिलेबस प्रोवाइड करने की बातें कर रहे हैं, तो ये तरीका सही नहीं है। आप कोई भी सब्जेक्ट को लेकर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए प्रीवियस ईयर्स के 8, 10, 6 साल के क्वेश्चन बैंक को ज़रूर अपने पास रखें। ये मार्केट में मिलता है 25-30 रुपए में, हार्डली मिल जाता है, तो प्रीवियस ईयर्स के 8-10 साल के क्वेश्चंस ज़रूर आप मेंस के रखें, ताकि अंदाज लगे आपको कि किस तरह के प्रश्न पहले आ चुके हैं और आपको तैयारी किस तरह से करनी है। तो क्वेश्चन बैंक आप अपने पास रख लें। साथ ही अभी जो ये एपिसोड अपलोड हो रहा है, ये 30 प्रश्नों का एपिसोड है, जिसमें टोटल 30 प्रश्न अलग अलग सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर्स के लिए गए हैं। देखिए, हमारे इस एपिसोड का उद्देश्य है वैसे स्टूडेंट्स का हेल्प करना जिन्हें वाकई नीड है, मदद की ज़रूरत है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अच्छे हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। फिर वो रिसोर्सेज भी उपलब्ध करा लेते हैं, या वो पहले से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी उनकी ऑलरेडी है। लेकिन हमारे इस एपिसोड का, ये पूरे सीरीज़ को चलाने का उद्देश्य है वैसे स्टूडेंट्स की मदद करना जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, या जिनके पास जानकारी की कमी है, हेल्प नहीं मिलता है, और वो चाहते हैं तैयारी करना लेकिन कोई मदद नहीं है, सपोर्ट नहीं है, किसी तरह का ज्ञान उनके पास नहीं है, या फिर लिमिटेशंस हैं। तो एपिसोड्स दरअसल उनसे संबंधित हैं। बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, और शायद उनकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, वो इसे और इनरिच करेंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य वैसे स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है जिन्हें वाकई इसकी नीड है। तो आप तैयार हो जाएं इसके लिए, आज के इस टेस्ट के लिए। कोई बड़ा, बहुत बड़ा ये टेस्ट नहीं है, यूफोरिया नहीं है, ये 30 प्रश्न का साधारण सा टेस्ट है, और ख़ासकर कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए, कि आप देखें कि आज के दिन जब आप तैयारी शुरू करने वाले हैं तो आप कितने प्रश्नों को इसमें हल कर पा रहे हैं। कम भी होगा तो कोई चिंता नहीं है, आगे ये संख्या बढ़ेगी, आप ज़्यादा प्रश्नों के सही आंसर हल करेंगे, तो आप बिल्कुल चिंतित ना हों। केवल 5, 6, 8, 10 प्रश्न भी अगर आपके सही हल होते हैं तो इट डज नॉट मैटर, ये चलेगा। ये अभी आपकी तैयारी का शुरुआत है। बहुत सारे लोगों ने अभी हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो उनकी तैयारी नेचुरली कम होगी, तो उनकी संख्या भी, जो सही प्रश्नों की संख्या भी कम होगी। तो आप चिंतित ना हो, सही सही संख्या आप लिखें, बताएं कि आपने कितने स्कोर किए, और आगे हम लोग देखेंगे परसों से, डे आफ्टर टुमारो परसों से हम लोगों के क्लासेस चलेंगे, और क्लासेस जब आएंगे, वीडियोस जब आएंगे, तो उसी में पता चल जाएगा कि इसका पैटर्न क्या होगा। रात 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच वीडियोस अपलोड हो जाएंगे होपफुली। कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है तो डिले भी होता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। मेरा प्रयास होगा कि 8 बजे से 10 बजे के बीच वीडियोस हर अल्टरनेट डे एक दिन बीच कर आप तक पहुँच जाए, और आपको ये भी पता चलता रहेगा कि किस तरह से हम लोग तैयारी का तरीका अपनाएंगे, आपको कितना पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा। दूसरी बात, लूसेंट की जहां तक बात है, तो लूसेंट हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन आपको दिया है, हालांकि लूसेंट के बारे में हमने ज्यादा इंफेसिस नहीं दिया है, हमने क्राउन के बारे में कहा है। लूसेंट के ऑब्जेक्टिव में भी कुछ गलतियां हैं, बट उससे पूरी बुक को खारिज नहीं किया जा सकता। जहां पर गलतियां होंगी उसे हम लोग देख लेंगे, तो वो कुछ ऑब्जेक्टिव की गलतियों को आप सेट असाइड करें, छोड़ दें, हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन लूसेंट का ऑब्जेक्टिव हमने प्रेफर किया है, सब्जेक्टिव वाली बुक नहीं। हालांकि ज़्यादातर छात्रों के पास सब्जेक्टिव वाली बुक है और ऑब्जेक्टिव भी है। सब्जेक्टिव के लिए जिसमें डिटेल्स है, उसमें क्राउन का हमने आपको रिकमेंड किया है। हालांकि ये भी एक शुरुआती स्टार्ट के लिए किया है, आगे आपको कुछ और भी देखना होगा, हम लोग देखेंगे। लेकिन आपको एनसीईआरटी और दिस दैट ये सारी बातें करके हम इस स्टडी के पैटर्न को बोझिल नहीं करना चाहते। आप एनसीईआरटी लेकर बैठेंगे, आपको इंटरेस्ट नहीं बनेगा, मुझे पता है, और हो सकता है कि आप डिस्करेज हो जाएं और बोलें कि एनसीईआरटी की इतनी सारी किताबें लिख दी गई हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैंने अभी वो सब नहीं कहा है। आप लीस्ट
सब्जेक्ट लिस्ट बुक्स के साथ तैयारी करेंगे और क्वालिटेटिव आपकी तैयारी होगी, अच्छी तैयारी होगी। चलिए आज के इस टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं, बातें होती रहेंगी, आपकी क्वेरीज का आंसर भी मिलता रहेगा, आप परेशान ना हो। 30 प्रश्न का पहला प्रश्न आज आप देखेंगे इस तरह से, इसके आंसर भी तत्काल दिए जा रहे हैं, आप मिलान करते जाएंगे और जिस प्रश्न में आपको थोड़ा समय चाहिए होगा आप पॉज कर लेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है कि प्राचीन तक्षशिला किस नदी के बीच स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में विक्रमशिला, नालंदा और तक्षशिला तीन बड़े ही प्रसिद्ध प्राचीन एजुकेशन के सेंटर थे, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन तक्षशिला नदियों के बीच स्थित था। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु और झेलम। आज का दूसरा प्रश्न, महात्मा बुद्ध के जन्म, ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी, बैसाख पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बैसाख पूर्णिमा। आज का तीसरा प्रश्न पागलपंथी आंदोलन से संबंधित है, आपको बताना है कि पागलपंथी आंदोलन का नेता कौन था। 1825 के आसपास पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश वर्तमान में मैमन सिंह के आसपास यह आंदोलन काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, तो इसके लीडर्स कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, करम शाह और टीपू। दरअसल सूफी और फकीर नेचर के ये लोग अंग्रेज़ों के रोक टोक और उनके उत्पीड़न से विद्रोही बन बैठे थे। आज का पांचवा प्रश्न, इंडिया हाउस नाम से हॉस्टल की स्थापना कहाँ की गई थी। इंडिया हाउस कहाँ स्थापित हुआ राष्ट्रीय आंदोलन के समय, तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन। लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में स्थापित की थी और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम का मैगजीन भी निकालते थे और भारत से बाहर उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का प्रसार किया। इसके लिए इंडिया हाउस नाम की का एक हॉस्टल भी स्थापित किया गया जहाँ लोगों को ठहरने और रहने की जगह दी जाती थी। आज का छठा प्रश्न, कोर उद्योग निम्नलिखित में से कौन नहीं है, कोर इंडस्ट्री नहीं है, ये आपको देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी। कोर इंडस्ट्री वैसा उद्योग है जिसकी स्थापना करके ही बाकी उद्योगों की का विकास किया जा सकता है, जैसे स्टील, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, बिजली, कोयला, तो ये एलपीजी, ये सारे कोर इंडस्ट्रीज हैं और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्री हैं, इनके स्थापना के बाद ही आप बाकी उद्योग स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीनी होगा इसका आंसर, जो कोर उद्योग नहीं है। सातवां प्रश्न, सबसे अधिक वृद्धि दर ग्रोथ रेट किस पंचवर्षीय योजना में, फाइव ईयर प्लान में देखने को मिला। आप सोच लें, आप इसे पॉज कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 11वीं योजना। 2007 से 12 के बीच 11th फाइव ईयर प्लान चला था और उसमें मैक्सिमम एवर अभी तक का सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट लगभग 8% के आसपास इसमें प्राप्ति हुई थी। आप जान लें कि पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 आखिरी पंचवर्षीय योजना है, इसके बाद नीति आयोग का काम आगे बढ़ेगा। आठवां प्रश्न, सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व कहाँ पर पाया जाता है, ए बी सी या डी, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर मैक्सिमम। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र, चूँकि ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पर लोग रोजगार की उम्मीद में जुटने शुरू हो जाते हैं और घनत्व बढ़ जाता है। आज का नवा प्रश्न, सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन हैं, बहुत महत्वपूर्ण बुक, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य, भास्कर द्वितीय भी इन्हें कहा जाता है। 12वीं शताब्दी के ये मशहूर मैथमेटिशियन थे और खगोलविद भी थे, इन्होंने ही सिद्धांत शिरोमणि की रचना की थी जो चार भागों में था, जिसका एक भाग लीलावती कहलाता है, जिसका फारसी में अनुवाद किया था फैजी ने, जो अबुल फजल का भाई और शेख मुबारक का बेटा था। 10वां प्रश्न, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सी स्थिति दिखाई देती है, सोलर इक्लिप्स के समय कौन सी स्थिति, पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रीट, कोरोना। दरअसल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पूरा भाग काला हो जाता है, लेकिन कोने पर आप देखेंगे कि जो रिंग बनता है चमकीला, इसे ही क्रीट या कोरोना कहते हैं। 11वां प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल एरिया वाइज आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। आप जान ले, डिसेंडिंग ऑर्डर कह रहा, घटते क्रम में, यानी सबसे अधिक सबसे पहले और सबसे कम सबसे बाद में, इसे घटता क्रम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना, यानी ए।
आज का 12वां प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, टच करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मैक्सिमम 9 राज्यों और दिल्ली 8 राज्य के साथ एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली को टच करता है, तो 9 इस तरह से कुल ऐसी सीमाएं हैं, उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न, घास के मैदानों में निम्नलिखित में से कौन ग्रासलैंड में मिसमैच्ड है, सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाउन्स। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहते हैं, तो यहां पर ये मिसमैच्ड है। 14वां प्रश्न, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है, सबसे स्वीटेस्ट वाटर लेक? तो इसका आंसर हो जाएगा लेक सुपीरियर। अमेरिका में सुपीरियर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विश्व में है। 15वां प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ए बी सी डी। राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय जल मार्ग है, वाटरवे है, ये आप ध्यान रखें, अगर राजमार्ग नहीं जल मार्ग है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 और 2। इसमें तीसरा ऑप्शन ये राष्ट्रीय जल मार्ग नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1 और 2 इसमें सही है। आज का 16वां प्रश्न, पैराशूट बनाने में किस प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, पैराशूट बनाने में सोच लें आप, तो इसका आंसर हो जाएगा ए टेरिलीन। टेरिलीन एक तो मजबूत होता है, साथ ही ये हीट रेसिस्टेंट होता है और इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपको 17वां प्रश्न है, मैचिंग है, आपको मैच करके बताना है कि कौन सा इसमें मैचिंग सही है। जनन ग्रंथि यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पिश्यूपियूष यानी पिट्यूटरी, अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज, अधिवृक्क यानी एड्रिनल, वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन, मैच करके आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनन ग्रंथि, इसका आंसर डी हो जाएगा दरअसल 4, 3, 2, 1। 18वां प्रश्न, सबसे मीठे शर्करा निम्नलिखित में से कौन है, स्वीटेस्ट शुगर इन ऑल ऑफ द एबव, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। 19वां प्रश्न, जनसंख्या घनत्व निकालने की सही विधि निम्नलिखित में से कौन सी है, आप किस प्रोसेस से जनसंख्या यानी पॉपुलेशन डेंसिटी आप एक्यूरेटली निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या बटे क्षेत्रफल यानी पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर यानी यूनिट एरिया में जितने पॉपुलेशन होते हैं, जनसंख्या होती है उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यानी जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। आज का 20वां प्रश्न, राजकोषीय नीति कौन जारी करता है, फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन या होम मिनिस्ट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंस कमीशन, वित्त मंत्रालय। फिस्कल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसमें राजकोषीय घाटा, वित्तीय घाटा ये सब दिखाया जाता है। आज का हो जाए 21वां प्रश्न, जूट उद्योग के लिए जरूरी साफ स्वच्छ जल, सस्ता श्रम और सस्ता ट्रांसपोर्ट किस नदी के किनारे स्थित है, चीपेस्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा हुगली नदी। 22वां प्रश्न, सबसे अधिक रास्ते बदलने वाली नदी कौन सी है बिहार की, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी सबसे आधे मार्ग बदलती है, इसलिए बाढ़ में ये विकराल और बिहार का शोक बन जाती है। आज का 23वां प्रश्न, बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है कहां स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण, जिसका हेडक्वार्टर बेतिया है, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो नेशनल पार्क भी है। 24वां प्रश्न, भारत में सूचना का अधिकार यानी आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, ये किस तरह का अधिकार है, ए बी सी या डी? तो इसका आंसर हो जाएगा कानूनी अधिकार, संसद के द्वारा पारित कानून के द्वारा ये अस्तित्व में आया है, इसलिए इसे कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। 25वां प्रश्न, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, ए बी सी या डी?
तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल। पीपल बिहार का स्टेट ट्री है। 26वां प्रश्न, जो आप करंट के प्रश्न हैं पांच, उनमें 26वां प्रश्न, 44वां G7 समिट यानी ग्रुप 7 समिट शिखर सम्मेलन बीच में ही समाप्त कर दिया गया, इसके पीछे कारण क्या था, ए बी सी या डी? आप टाइम ले लें, पॉज कर लें। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका द्वारा स्टील पर, साथ में एल्युमिनियम भी था, उस पर आयात नियंत्रण लगाने के कारण यूरोपियन यूनियन और कनाडा इससे नाराज हुआ, जिससे ट्रंप पुनः नाराज हो गए और बीच में ही छोड़कर चले गए समिट को। 27वां प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 महीना 7 महीना पहले यह जारी हुआ है, एग्जाम में कई बार आ चुका है इस बीच, और आगे भी ये आता रहेगा, साल 2 साल तक, हर 2 साल पे ये जारी होता है। आपको बताना है कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, भारत में फॉरेस्ट का परसेंटेज क्या है, वन स्थिति, 1% क्या है भारत में? तो इसका आंसर हो जाएगा 21.54, 21.54%, लगभग 1%, 94.94% भारत में जो वनों की स्थिति है, ग्रीनरी है, वो बढ़ी है। एक बात याद रखें कि हरित क्षेत्र जिसमें घास भी होता है, उसका प्रतिशत है 24.39, इसको हरित क्षेत्र कहेंगे या ग्रीनरी कहेंगे पूरे भारत में, लेकिन अगर वन क्षेत्र आएगा, फॉरेस्ट एरिया आएगा, तो 21.54%। यहाँ आप याद रखें कि भारत में परसेंटेज में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया वन क्षेत्र है लक्षद्वीप में, सेकंड पोजिशन पर मिजोरम है, जबकि पूरे भारत में अगर सर्वाधिक, मैक्सिमम परसेंटेज नहीं, तो फिर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जंगल है, अरुणाचल प्रदेश में 2रा पोजीशन और छत्तीसगढ़ में 3रा पोजीशन। आज का 28वां प्रश्न, सौर संचालित पूर्व एकमात्र पहला बल्कि कौन सा एयरपोर्ट है जो पूरी तरह से सोलर सिस्टम पर ये बेस्ड हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोचीन। कोचीन विश्व का पहला एयरपोर्ट है जो पूरी तरह से सोलर पैनल पर आधारित हो गया है, और ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, आगे भी आता रहेगा। 29वां प्रश्न, NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्यता किसने त्याग दी है, अबंडन कर दिया है, छोड़ दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएस। अमरीका ने इस पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए इसकी सदस्यता वापस ले ली है। 30वां और अंतिम प्रश्न, देश का पहला दलित यूनिवर्सिटी, फर्स्ट दलित यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है, काम भी शुरू हो गया है, ये पहला दलित यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में ये पहला यूनिवर्सिटी एवर, बहुत बड़ा प्रश्न, आने वाले कई परीक्षाओं में ये लगातार दिखाया जाएगा करंट के रूप में, और 6 महीने के बाद ये GK का क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो बस आज के इस सेट को यहीं पर रोकेंगे, 2 दिनों बाद आपके 64वीं BPSC के एपिसोड्स आने शुरू होंगे, जो रात 8 बजे से 10 बजे के बीच संभवतः आएंगे। कभी कभी नेटवर्क की समस्या हो जाती है या दूसरी परेशानियों के कारण, तो घंटे 2 घंटे का समस्या भी, रुकावट भी, देरी भी हो सकता है, उसे आप ध्यान में रखेंगे, परेशान नहीं होंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि 8 से 10 बजे के बीच ये हर अल्टरनेट डे एक दिन बीच कर अपलोड हो जाए। जब पहला एपिसोड आएगा तो सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, परसों इसे आप रात 8 से 10 बजे के बीच देखकर, या अगर जल्दी अपलोड हो गया तो उससे पहले भी अपलोड हो सकता है। अपना ध्यान रखें, मुझे इजाज़त दें, अपने कमेंट्स ज़रूर दें, और आप बताएं कि आपने कितने स्कोर्स किए हैं सही, खासकर जो थोड़े कमज़ोर हैं या जिन्हें लगता है कि जिनकी तैयारियों में थोड़ी कमी है, तो आप उस ज़रूर देखें। अगर 5-7 भी आता है तो आप घबराएं नहीं, आगे ये संख्या बहुत बढ़ेगी। अपना ध्यान रखें, मुझे इजाज़त दें, टेक केयर।